हे गाइस, आप लोग कैसे हो? टेक सेवन यूट्यूब चैनल से मैं सम्राट। सरप्राइजिंगली हम लोग नोकिया को लेकर भी वीडियो बना रहे हैं। नोकिया का G20 के साथ ये वीडियो में कंपैरिजन होगा टेक्नो का स्पार्क 70 का। तो स्पार्क 80 के साथ ही कंपैरिजन बना सकता था, बट स्पार्क 80 का कैमरा को मुझको पर्सनली उतना पसंद नहीं है। एंड दोनों 48 मेगापिक्सल कैमरा वाइज और भी ज़्यादा जस्टिफाई होता ये कंपैरिजन। बट ये कंपैरिजन पर पहले एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, ये दो फोन जो बजट में आ रहा है ना, इस बजट में अगर आप देखिएगा आज के दिन में भी थोड़ा बहुत एक आध अच्छा फ़ोन देखने को मिल रहा है। बट सेमी कंडक्टर शॉर्टेज के लिए जो है अभी की टाइम के अंदर 10,000 रुपया के अंदर इस तरह का ही ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन मिल रहा है। बट अगर आपको इन्फिनिक्स टेक्नो एंड इसके साथ माइक्रोमैक्स का फ़ोन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो 10,000 रुपया में इससे भी बेटर कुछ डील आपको मिल सकता है। तो दोस्तों अगर आप देखिएगा जो नोकिया का G20 है ये 12,500 रुपया में अमेजोन में आपको देखने को मिलेगा। बट अगर आप देखिएगा एक 2,500 रुपया का कूपन अप्लाई करने को दे रहा है, मतलब एकदम फ्लैट आपको 2,500 रुपया का ऑफ देखने को मिल रहा है, जिससे ये फ़ोन 10,000 रुपया हो जा रहा है। इवन अगर आपको आप इसके साथ अगर बैंक ऑफर को ऐड कर लेते हो तो और भी ज़्यादा नीचे आपको प्राइस आते देखने को मिल सकता है ये फ़ोन का। सेम टाइम टेक्नो का स्पार्क 70 जो है आपको 9,500 रुपया में देखने को मिल जाएगा अमेजोन के ऊपर, दोनों ही 4GB RAM 64GB इंटरनल की सर। तो कंपैरिजन देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा आपके लिए कौन सा फोन सही होगा। पर्सनली मैं जब देखा नोकिया ज्यादा बेटर हम लोगों को वैल्यू प्रोवाइड कर रही है इस बजट में, क्यों कर रही है वो आपको जानने को मिल जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कंप्लीट वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले अगर दोनों फ़ोन का डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी लेकर बात करते हैं तो दोनों फ़ोन ही जो है एकदम ही प्लास्टिक बिल्ड डिज़ाइन के साथ आ रहा है, यानी इस बजट में ग्लास बैक आएगा भी नहीं है। नोकिया का डिज़ाइन को अगर आप नोटिस कीजिएगा ओवरऑल एक डिज़ाइन टाइप का आपको डिज़ाइन देखने को मिलेगा, अच्छा डिज़ाइन है। स्पेशली कैमरा बम का डिज़ाइन भी काफ़ी एक अलग टाइप का देखने को मिल रहा है, ट्रेडिशनल जिस तरह का आज के दिन में चल रहा है कैमरा बम का डिज़ाइन ऐसा नहीं है। बट अगर आप टेक्नो को देखिए, टेक्नो एंड इन्फिनिक्स दोनों सिस्टर कंपनी, तो डिज़ाइन के मामले में दोनों ब्रांड ही अच्छा काम करते हैं। तो टेक्नो का स्पार्क 70 का भी डिज़ाइन बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है। स्पेशली जो कलर का ग्रेडियंट यूज़ किया गया ये बहुत ही एक आई कैचिंग डिज़ाइन बना देता है ये फ़ोन को। प्लस इधर जो पैटर्न यूज़ किया गया दो तरह का टेक्सचर का ये भी काफ़ी अच्छा लगा। कैमरा बम का डिज़ाइन भी ओवरऑल में एक काफ़ी ट्रेंडी लुक सेट कर देता है ये फ़ोन का। तो डिज़ाइन के मामले में टेक्नो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। फिजिकल ओवरव्यू की बात किया जाए तो टेक्नो का ये फ़ोन में आपको पीछे फिंगरप्रिंट देखने को मिलेगा, साइड माउंट नहीं है एंड माइक्रो ESB आपको चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलेगा। बट सेम टाइम अगर आप नोकिया G20 को देखिएगा इधर आपको नीचे टाइप सी चार्जिंग पोर्ट आपको देखने को मिलेगा, स्पीक जो फिंगरप्रिंट है ये साइड माउंट देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल जो है मोर प्रीमियम आपको बना देता है G20 ये सब के लिए फिजिकल ओवरव्यू में। नेक्स्ट अगर दोस्तों दोनों फोन का रैम एंड इंटरनल स्टोरेज के ऊपर गौर कीजिएगा, दोनों फोन में आपको LPDDR4X रैम देखने को मिलेगा, स्टोरेज जो है eMMC 5.1 स्टोरेज देखने को मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो का बाकी पार्ट में जाने का पहले एक बात बोलना चाहता हूँ, आप लोग वीडियो देख लेते हो बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, इसके लिए देखिए चैनल में व्यूअर्स टू सब्सक्राइबर का जो रेशियो चल रहा है ये 1% का भी नीचे चल रहा है, इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए तो आपको भी इस तरह वीडियो मिलते रहेगा, हम लोगों को भी जो चैनल ग्रो करने में हेल्प होगा। कुछ भी चीज़ जानना है नीचे कमेंट सेक्शन है जाइए कमेंट कीजिए, आपका कमेंट के आंसर आपको जरूर मिल जाएगा। एंड ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, जितना ज़्यादा लाइक होगा ये वीडियो का व्यूज है उतना ही ज़्यादा ग्रो करने में हेल्प हो जाएगा। डिस्प्ले के मामले में बात किया जाए तो दोनों फोन सेम है, 6.5 इंच का HD+ रेजोल्यूशन का एक डिस्प्ले देखने को मिलेगा विथ डियर ड्रॉप नॉच की जितना पांच छोल नहीं है। ये फ़ोन भी देखा जाए तो इस बजट में एक अच्छा हम लोगों को डील दे रहा है HD+ रेजोल्यूशन के साथ, एंड ऊपर में एक आपको स्क्रीन प्रोटेक्टर जो है ये भी अप्लाई देखने को मिल जाएगा प्रॉबेबली दोनों फोन की अंदर। नेक्स्ट अगर दोनों फोन का परफॉर्मेंस सेक्टर के ऊपर बात किया जाए तो दोनों में ही मीडियाटेक हिलियर G35 आपको प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। G35 जो है एक एंट्री लेवल सेगमेंट का प्रोसेसर है, बेंचमार्किंग एंड्रॉइड के ऊपर 130,000 के आसपास आपको मैक्सिमम देखने को मिल सकता है। एंड इसका अगर आप गेमिंग की बात किया जाए तो गेमिंग अगर आप नहीं करेंगे तो ही अच्छा है, बट कॉल ऑफ ड्यूटी पबजी की तरह गेम खेल सकते बट थोड़ा टाइम के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्राफिक्स मैक्सिमम आपको HD ग्राफिक्स देखने को मिल जाएगा, ओवरऑल ठीक ठाक चलेगा बट रिकमेंडेशन नहीं है गेमिंग के लिए ये दो फोन लेना। एंड अगर आप इसके साथ डेली लाइफ टास्क की बात करेंगे मल्टीटास्किंग अच्छे से होते देखने को मिलेगा, फेसबुक ट्विटर बोलिए यूट्यूब में गाना सुनना वीडियो देखना ये आराम से आप कर पाएंगे ये फोन से। नेक्स्ट अगर दोनों फोन का हम लोग कैमरा सेगमेंट की बात करेंगे तो टेक्नो का ये फोन में प्राइमरी कैमरा 48 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा, एपर्चर F1.8 के साथ एंड पिक्सल साइज 0.8 माइक्रॉन का देखने को मिलेगा, जो पिक्सल विनिंग में 1.6 माइक्रॉन में होते देखने को मिल जाएगा। सेकेंडरी एक AI सेंसर या डेप्थ सेंसिंग टाइप का कुछ सेंसर देखने को मिलेगा एंड फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का एक सेल्फी शूटर देखने को मिलेगा। तो डेलाइट कंडीशन में ये कैमरा फ्रंट एंड बैक दोनों से अच्छा पिक्चर आपको क्लिक करके दे देगा।
एंड लो लाइट के लिए ये फ़ोन में बैक कैमरा में डेडिकेटेड एक लो लाइट मोड है एंड फ्रंट कैमरा में आपको दो फ्लैश देखने को मिल रहा है, जिससे आप लो लाइट कंडीशन में अगर आप सेल्फी लेते हो तो आपको थोड़ा ब्राइट इमेज क्लिक करने में हेल्प कर देता है। एंड इसके साथ ये दोनों कैमरा में मतलब बैक एंड फ्रंट दोनों में AI ब्यूटिफिकेशन जो मोड होता है, पोर्ट्रेट मोड जो है, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। एंड आजकल जो कलर फिल्टर तरह तरह का देखने को मिल रहा है, जो पिक्चर का लुक थोड़ा चेंज करने में एनहांस करने में हेल्प करते हैं, ये सब फीचर भी आपको कैमरा के अंदर देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी एज पर द बजट आपको डिसेंट क्वालिटी का देखने को मिल जाएगा ये कैमरा से। एंड वीडियो रिकॉर्ड अप टू 180p तक ही देखने को मिलेगा 30fps की पर। स्लो मोशन टाइम स्लैप की तरह फीचर भी अवेलेबल देखने को मिलेगा, बट AI जितना मुझको पता है ये फोन में आपको अवेलेबल देखने को नहीं मिलेगा। बट नोकिया भी काफी अच्छा काम किया कैमरा सेगमेंट में। प्राइमरी कैमरा इधर 48 मेगापिक्सल का है, बट इसको छोड़कर इधर भी आपको अपर्चर 1.8 का, पिक्सल साइज 0.8 माइक्रोन का है, जो पिक्सल बिनिंग में 1.6 माइक्रोन में देखने को मिलेगा काम करते हुए। इधर जो अल्ट्रावाइड लेंस है ये आपको 5 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा। हाँ, ये 8 मेगापिक्सल होना चाहिए था, बट अगर बजट वाइज भी देखा जाए एंड नोकिया ब्रांड को भी देखा जाए तो उस हिसाब से 5 मेगापिक्सल भी ठीक है। इसका बारे में 2 मेगापिक्सल का डेप एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर है, फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है। तो बेसिकली जो नोकिया पिक्चर क्लिक करता है, मतलब नोकिया का जो कलर साइंस एंड जिस तरह का एल्गोरिदम के ऊपर कैमरा काम करता है, इससे आपको ट्रू टू नेचुरल कलर प्रोड्यूस करके दे देता है। इधर भी आपको HDR बोलिए, पोर्ट्रेट मोड बोलिए, डेडिकेटेड लो लाइट के लिए लो लाइट मोड बोलिए, ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। AI ब्यूटिफिकेशन मोड, ये सब भी आपको देखने को मिल जाएगा ये कैमरा की अंदर सब कुछ लेकर। पिक्चर क्वालिटी इधर से आपको डे लाइट लो लाइट के लिए ओवरऑल आपको अच्छा खासा मतलब डिसेंट क्वालिटी का आपको इधर से भी देखने को मिल जाएगा। दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट अल्ट्रावाइड लेंस डे लाइट में आप थोड़ा काम में ले सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा फोटोग्राफी करते हो तो अल्ट्रावाइड लेंस आपके लिए एक हेल्पफुल फीचर हो सकता है ये फोन का। वीडियो रिकॉर्ड मैक्सिमम इधर से भी 180p तक ही देखने को मिलेगा 30fps के ऊपर, अल्ट्रावाइड से भी वीडियो रिकॉर्ड आप शूट कर पाएंगे। एंड इसके साथ इधर आपको जो स्लो मोशन टाइम स्लैप है ये भी देखने को मिलेगा, बट किसी तरह EIS है या नहीं है इसके बारे में कुछ डेटा नहीं है एज लाइक टेक्नो स्पार्क 70 की तरह। दोस्तों नेक्स्ट अगर दोनों फोन का बैटरी के ऊपर बात किया जाए तो टेक्नो का ये फोन में जो है आपको 6000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगा। मैसिव बैटरी है एंड 10W का चार्जर अडैप्टर है, तो ऑब्वियसली चार्जिंग होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम तो ले लेगा, बट अगर चार्जिंग हो जाता है उसके बाद जो बैटरी बैकअप भी आपको तगड़ा वाला देखने को मिलेगा। बहुत ही अच्छा बैटरी बैकअप आपको ये फोन से देखने को मिलेगा, जो ये फोन का काफ़ी ज़्यादा प्लस पॉइंट भी होने वाला है। सेम टाइम अगर आप देखिएगा नोकिया ये फोन में 5000 mAh की बैटरी एम्बेडेड करके दे दिया विथ 10W का चार्जर अडैप्टर, तो ये फोन भी ओवरऑल में आपको काफ़ी अच्छा बैटरी बैकअप प्रोड्यूस मतलब देते हुए आपको देखने को मिल जाएगा। एंड लास्टली अगर दोनों फोन का सॉफ्टवेयर एंड UI को लेकर बात किया जाए तो टेक्नो एंड इन्फिनिक्स सिस्टर कंपनी पहले ही बोला है, इसलिए टेक्नो का जो हाई OS है एंड इन्फिनिक्स का X OS, बेसिकली दो एक ही तरह का OS है, दोनों का नाम में अलग है, थोड़ा फीचर में इधर उधर करके एक ही तरह का OS आपको देखने को मिलेगा। तो X OS एंड इन्फिनिक्स का X OS एंड टेक्नो का हाई OS जो है काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है, हालांकि पहले से काफ़ी इंप्रूव हो चुका है बट फिर भी काफ़ी ज़्यादा हैवी। ऐसा कुछ फीचर देखने को मिलेगा जो ज़रूरत नहीं है फिर भी आपको देखने को मिलेगा, कुछ ब्लोटर ऐसा देखने को मिलेगा जो अनइंस्टॉल नहीं कर पाएंगे, अनवांटेड नोटिफिकेशन आने की तरह प्रॉब्लम, ऐड देखने की तरह प्रॉब्लम, ये सब आपको देखने को मिल जाएगा ये UI को। तो UI को थोड़ा सा मेरा उतना पसंद नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा नेगेटिव के अंदर रखूंगा, बट नोकिया इस मामले में काफ़ी आगे है। ये फोन में प्रोबेबली एंड्रॉइड 1 के साथ आपको देखने को मिल जाएगा सॉफ्टवेयर, मतलब क्लीन एक स्टॉक लाइक एंड्रॉइड UI आपको देखने को मिलेगा एंड्रॉइड 1 प्रोग्राम के अंदर। इसलिए इधर जो है आपको मेजर दो सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेगा एंड्रॉइड 12 एंड एंड्रॉइड 13 का, एंड 3 साल का सिक्योरिटी पैच का अपडेट भी देखने को मिलेगा। तो सब कुछ लेकर जो ये फोन एक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस वाइज बहुत ही ज़्यादा एनहेंस आपको एक्सपीरियंस देने वाला है नोकिया की तरफ से। तो ये है दोनों फोन का कंपैरिजन। तो कंपैरिजन में एक चीज़ देखिए, अगर आपको टेक्नो का फोन लेना है 9500 रुपये में आप ऑब्वियसली ले सकते, बट मेरा प्रेफरेंस ऑब्वियसली रहेगा नोकिया का G20, बिकॉज ऑफ ये फोन लेने पर आपको जो ओवरऑल सॉफ्टवेयर आप एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा ना, ये नियर अबाउट स्टॉक एंड्रॉइड की तरह एक क्लीन पॉलिश्ड UI आपको देखने को मिल रहा है एंड्रॉइड 1 के साथ, तो इससे जो आपको ओवरऑल बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है सॉफ्टवेयर के मामले में, काफ़ी ज़्यादा लाइट है। हाँ, आपको काफ़ी सारा फीचर देखने को नहीं मिलेगा जो कस्टम UI के अंदर होता है, इसके लिए एडिशनली आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा, बट फिर भी काफ़ी लाइट होने पर जो एक्सपीरियंस अच्छा होगा आपको सॉफ्टवेयर से, ये एक एडवांटेज है। दूसरा देखिए अल्ट्रावाइड लेंस इधर भी देखने को मिल रहा है, जो भी एक थोड़ा एडवांटेज के अंदर रख सकते हैं। इसका साथ नोकिया की तरह एक ब्रांड का भी वैल्यू ऐड हो जाता है, ये भी एक एडवांटेज ऑब्वियसली देखने को मिल रहा है। तो सब कुछ लेकर मेरे चॉइस नोकिया ही है, बट
अगर आप 10,000 रुपया के अंदर फ़ोन लेना चाहते हो एंड आप एक कंप्लीट पैकेज लेना चाहते हो, और अगर आपको माइक्रोमैक्स इन्फिनिक्स की तरफ से फ़ोन में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है, तो ऑब्वियसली आप वो सब फ़ोन देख सकते हैं। एंड माइक्रोमैक्स का फ़ोन तो क्लीन स्टॉक एंड्रॉइड के साथ ही आपको देखने को मिलेगा इन नोट 9,500 रुपया में। एंड अगर आप सैमसंग का M12 लेना चाहते हो तो आपको बैंक ऑफर के साथ 10,500 रुपया में देखने को मिलेगा। वो फ़ोन को भी एक बार आप कंसिडर करके देख सकते हो, उधर भी बेटर आपको परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। आई होप आपका वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगने पर वीडियो में एक लाइक देकर हम लोग का ये वीडियो का लाइक टारगेट जो 50 रखा गया वो जरूर फिल कीजिए। वीडियो रिगार्डिंग कुछ भी चीज़ जानना है नीचे कमेंट कीजिए, कमेंट का आंसर मिल जाएगा। चैनल में आने पर चैनल सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए, तो आपको भी इस तरह वीडियो मिलते रहेगा, हम लोगों को भी जो चैनल ग्रो करने में हेल्प हो जाएगा। ये वीडियो शेयर कीजिए फ्रेंड कलीग मेंबर फैमिली मेंबर के साथ। फिर एक नया वीडियो मुलाकात होने जा रहा है, तब तक के लिए स्टे सेफ, टाटा बाय बाय।